डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। तो सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है इसको जानने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये सभी को पता भी होना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड डेटाबेस। आपने सभी स्टूडेंट में से किसी भी एक स्टूडेंट ने सोचा कि डेटाबेस की हमें आवश्यकता क्यों है, व्हाई डू वी नीड डेटाबेस, हमें डेटाबेस की क्यों आवश्यकता है। हम इन डेटाबेस भी वर्क ऑन टेबल्स लाइक एमएस एक्सेल और ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। डेटाबेस में हम एमएस एक्सेल या ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की तरह टेबल्स पर वर्क करते हैं। जो हमें डेटाबेस में भी टेबल्स पर ही वर्क करना है, और उसी तरीके के से टेबल्स मेंटेन करनी है जिस तरीके से आपने एमएस एक्सेल में या ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में टेबल्स को मेंटेन किया था। तो जो हमने इस वर्क काम को हम एक्सेल में सीख के आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम इस चीज के कंसेप्ट को लर्न कर चुके हैं, तो फिर हमें डेटाबेस की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए आगे के कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। व्हेन वी वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट देयर मे बी ए मिस्टेक बाय ह्यूमंस एट द टाइम ऑफ टाइपिंग इज दैट वी कैन टाइप और एंटर एनी टू एंट्रीज विद द सेम डिटेल्स और द सेम नेम। जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम वर्क करते हैं तो ह्यूमंस के द्वारा, मनुष्य के द्वारा टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो सकती है। वो मिस्टेक किस प्रकार की हो सकती है? वी कैन टाइप और एंटर एनी टू एंट्रीज विद द सेम डिटेल्स और सेम नेम। हम कोई भी दो एंट्रीज को या दो इनपुट रिकॉर्ड्स को एक ही डिटेल्स के साथ, एक ही नेम के साथ एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ वी मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। आप सभी स्टूडेंट जो है अपनी क्लास का, सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर आप जो है अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, और जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है हमें उसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर और स्टूडेंट्स के नेम की आवश्यकता है। तो वी नीड रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट्स टू एंटर और मेंटेन द रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या रिकॉर्ड्स को या डिटेल्स को टाइप करने के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता है, रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट। एट द टाइम ऑफ टाइपिंग, टाइपिंग के समय पर, एट द टाइम ऑफ टाइपिंग, टाइपिंग के टाइम पर एनी वन कैन डू मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है। इस प्रकार एनी टू स्टूडेंट कैन बी असाइन द सेम रोल नंबर बट इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा मिस्टेक ये हो सकती है कि दो स्टूडेंट को सेम रोल नंबर असाइन किया जा सकता है, परंतु जो कि पॉसिबल नहीं है। इन सच सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन में द लिमिटेशन ऑफ एक्सेल और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑकर्स। इस टाइप की सिचुएशन में एक्सेल की जो लिमिटेशन है या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जो लिमिटेशन है वो ऑकर्स होती है, वो क्रिएट होती है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एक्सेल और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। टू सॉल्व दिस लिमिटेशन ऑफ एक्सेल और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वी नीड ए डेटाबेस। एक्सेल और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशन को सॉल्व आउट करने के लिए किसी भी प्रकार की उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको सॉल्व आउट करने के लिए, उनका समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें डेटाबेस की आवश्यकता होती है, वी नीड अ डेटाबेस। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी नीड अ डेटाबेस टू मॉडिफाई और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और द लिमिटेशंस और द ड्रॉबैक्स व्हिच आर ऑकर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और एमएस एक्सेल या ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट। इज दैट, अब पूछा जा सकता है कि एग्जाम में आपसे कि एक्सेल की या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन इज दैट एट द टाइम ऑफ टाइपिंग एनी वन कैन डू द मिस्टेक इज सच ए वे दैट द सेम रोल नंबर कैन बी असाइंड वन और मोर स्टूडेंट्स विच कैन नॉट बी पॉसिबल। टाइपिंग के टाइम पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा टाइपिंग मिस्टेक करके ऐसा किया जा सकता है कि दो से
दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स को एक ही रोल नंबर को असाइन कर दिया गया, परंतु ये पॉसिबल नहीं है। इस टाइप की लिमिटेशंस को सॉल्व आउट करने के लिए हमें डेटाबेस की आवश्यकता होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशंस क्या है, तो वो आप ये लिख सकते हैं। और आपसे ये पूछा जाता है कि डेटाबेस की हमें आवश्यकता क्यों है, तो भी इसमें आपका आंसर यही रहेगा जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है कि हमें डेटाबेस की क्यों रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो कंसेप्ट है, टेबल्स में भी हम वर्क कर रहे हैं, तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, और उसके रिस्पॉन्स में हम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, और इस तरीके की प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आ रही है वो डेटाबेस में कैसे रेक्टिफाई की जाएंगी, कैसे सॉल्व आउट उनको किया जाएगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे अपनी क्लास में, वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड डेटाबेस। इस टाइप की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें डेटाबेस की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिमिटेशन भी है और ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के साथ साथ डेटाबेस की रिक्वायरमेंट का भी क्वेश्चन। व्हाई डू वी रिक्वायर ए डेटाबेस, हमें डेटाबेस की आवश्यकता क्यों। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेटाबेस की आवश्यकता क्यों है, तो उसमें भी आपको ये ही आंसर लिखना है। आगे चलते हैं हम अपनी क्लास स्टूडेंट शुरू करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और व्हाई डू वी नीड ए डेटाबेस, हमें डेटाबेस की आवश्यकता क्यों है, तो हम शुरू बताने वाला हूं मैं आपको अब कि डेटाबेस क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ डेटाबेस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का मीनिंग क्या है, यानी कि डेटाबेस की क्यों आवश्यकता, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक, अब डेटाबेस की मीनिंग क्या है, डेटाबेस का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। द वर्ड डेटाबेस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स नेमली डेटा एंड बेस। डेटाबेस जो शब्द है वो दो शब्दों से डिराइव किया गया है, फर्स्ट इज डेटा एंड सेकंड इज बेस। डेटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स विच कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। डेटा जो है उन सभी रॉ फैक्ट्स को रेफर करता है, उन सभी आंकड़ों को रेफर करता है, जिस प्रकार के जब कोई आंकड़ा फैक्ट्स या कोई भी डेटा, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डेटा मेरे पास है तो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ टाइपिंग मैटर, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो यानी कि एनिमेशन की फॉर्म में हो, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। डेटा जो है आपका फैक्ट्स है, तथ्य है, आंकड़े हैं, जो मल्टीपल फॉर्म्स में स्टोर किया जा सकता है, जैसे आपका टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स है, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। उसके बाद दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था डेटाबेस में बेस। बेस रेफर्स टू द सपोर्टेबल मटेरियल टू मेंटेन रॉ डेटा। रॉ डेटा को मेंटेन करने के लिए, जो ऊपर अभी हमने डेटा का मीनिंग पढ़ा, उस डेटा को मेंटेन करने के लिए जो सपोर्टेबल मटेरियल की आवश्यकता होती है, सपोर्ट मीन जो मटेरियल, जो टूल्स का यूज करके उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उस डेटा को कन्वर्ट किया जाता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, और उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट होने के बाद उस डेटा को टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है, दैट सपोर्टेबल मटेरियल इज नोन एज बेस। तो कंबिनेशन और कंपाइलेशन दोनों सेम वर्ड है, कंबिनेशन ऑफ डेटा एंड बेस इज नोन एज डेटाबेस। डेटा मीन्स फैक्ट्स विच कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। बेस रेफर्स टू द सपोर्टेबल मटेरियल। बेस वो है जो हमने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को स्टोर किया,
उस डेटा को मेंटेन करने के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो, या कोई भी वैसे टूल्स, जो डेटा हमने स्टोर किया है, जिस डेटा को हमने कलेक्ट किया, उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उसके पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उसका कंक्लूजन निकालने लिए, के लिए, और कंक्लूजन निकालने के बाद उस डेटा को लॉजिकली अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में अरेंजमेंट करने को जो सपोर्टेबल टूल्स की आवश्यकता होती है, दिस इज नोन एज बेस। व्हेन डेटा एंड बेस बोथ आर कंबाइंड द कंसेप्ट इज नोन एज डेटाबेस। जब डेटा और बेस दोनों को आपस में कंबाइंड कर दिया जाता है तो नया कंसेप्ट बनता है जो कहलाता है डेटाबेस। आगे चलते हैं, अब आपका हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेटाबेस। जैसे हमने बताया कि डेटाबेस का मीनिंग हमने पढ़ा, तो अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ खासियत होती है। फर्स्ट फीचर है डेटा स्टोरेज, यानी कि डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग समय तक बिना किसी थर्ड पार्टी के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यानी कि कोई किसी व्यक्ति को अगर हमें बताना नहीं है कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर है, तो उसको बिना बताए, उसको बिना विजिबल हुए हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द डेटाबेस। डेटा बैकअप एंड रिकवरी, अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल फोन्स पर करते हैं, ठीक है। डेटा का प्रेजेंट, डेटा प्रेजेंटेशन, अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे स्क्रीन पर विजुअलाइज करना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, दिस इज नोन एज डेटा प्रेजेंटेशन। मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, ये आपका मल्टी है, इसे सही कर लेंगे आप, ये आपका मल्टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल है। मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल का मतलब एक साथ एक से ज्यादा व्यक्ति उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स पर एक ही प्रकार के डेटा को एक्सेस करने का फीचर कहलाता है डेटाबेस में, और इस फीचर को बोलते हैं मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल। एंड दिस फीचर इज अवेलेबल ओनली इन डेटाबेस, इट कैन नॉट बी अवेलेबल इन एनी कंसेप्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। जो कंसेप्ट आपने स्टार्टिंग में लर्न करे हैं, जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपने पढ़ा, नाइन्थ क्लास में आपने पावर पॉइंट पढ़ा था, तो उस टाइप के कंसेप्ट में ये नहीं था कि मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, परंतु तो इसमें आपका है। आप सभी डिफरेंट यूजर, अलग डिफरेंट सिस्टम्स पर एक ही प्रकार के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड डेटा सिक्योरिटी और मोस्ट ऑफ द कॉमन और इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द डेटा बेस इज डेटा सिक्योरिटी। इसमें डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, आपका डेटा सिक्योर है कि कन्फर्म है, सिक्योरिटी है इस चीज की। एंड सिक्स और लास्ट फीचर ऑफ द डेटा बेस इज डेटा बेस कम्युनिकेशन। हम डेटा बेस में जो भी हमने डेटा जनरेट करा है उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। These are the six features of the database. उसके बाद अब आपका आता है definition of database and concept of DBMS. अब हम पढ़ेंगे, पहले तो हमने पढ़ा आपका कि database के हमें क्यों requirement है, या Excel electronic spreadsheet की limitations क्या है। जब हमें पता लगा कि database की requirement क्या है, तो अब फिर हमने आपको वो बताया कि database का meaning क्या है, database का अर्थ क्या है। फिर जब डेटाबेस का हमें पता लगे, तो हमें ये पता लगा डेटाबेस की फीचर्स क्या हैं, यानी कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे, आपसे को पढ़ाएंगे डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, आप डेटाबेस से क्या समझते हैं, या डिफाइन डेटाबेस, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। एग्जाम में मीनिंग बहुत कम पूछा जाता है, डेफिनेशन ज्यादा पूछी जाती है। तो डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस क्या है, इसको देखते हैं। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स। लॉजिकल, ध्यान दें आप शब्दों पर, लॉजिकल रिलेटेड, लॉजिकल है यानी कि लॉजिकली, एक जो डेटा आपने स्टोर किया है वो डेटा एक दूसरे वैल्यू से लॉजिकली रिलेटेड है। कुछ ना कुछ आपस में जो डेटा में वर्ड्स हैं आपने टाइप करे हैं, जो भी आपने टाइपिंग करा, जो भी फिगर्स आपने लिए हैं, जो भी टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, जो भी जिस प्रकार का भी आपका डेटा है, वो आपस में एक दूसरी वैल्यू से, एक दूसरे वर्ड से,
एक दूसरे ऑडियो से, वीडियो से, इमेजेस से, ग्राफिक से, किसी ना किसी रूप में लॉजिकली रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, विच कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जिसको स्टोर किया जा सकता है एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर सिक्वेंशियल ऑर्डर में, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और किसकी फॉर्म में अरेंज किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ओनली। ध्यान रखें, टेबल्स की फॉर्म में जब किसी प्रकार के लॉजिकल डेटा को अरेंज किया जाता है या उस टाइप के डेटा को कलेक्शन किया जाता है, एंड द इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड कैन बी एडेड, और जो टेबल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करा, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करा, और टेबल की फॉर्म में जब अरेंज करा तो वो इस तरीके से अरेंज करा कि वो डेटा जो है हर एक टेबल के हर एक कॉलम से या हर एक रो से किसी ना किसी रूप में रिलेटेड है, लॉजिकली रिलेटेड है, उसका मीनिंग है, एक दूसरे से रिलेशन रखता है, वैल्यू हर एक वर्ड, ठीक। तो वो जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर्ड करी, वो रिलेशन क्रिएट करा, उस डेटा को, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, नया डेटा को ऐड कर दें, रिट्राइव्ड कर रहे हैं, रिट्राइव्ड में जिसको डिस्प्लेड करवाना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करवाना है, मॉडिफाइड मीन्स अपडेट, आपको उस डेटा में कुछ अपडेशन करना है, कुछ करेक्शन करना है, एंड डिलीटेड द डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और उस डेटा को जरूरत ना होने पर फ्यूचर में उसको परमानेंटली डिलीट कर देना है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये जो कंसेप्ट है आपका डेटाबेस कहलाता है। तो इन समरी और इन शॉर्ट वी कैन से दैट, या एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट डिफाइन द डेटाबेस, डेटाबेस को डिफाइन करें तो आप क्या लिखेंगे, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स विच कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। डेटाबेस क्या है, एक रिलेटेड डेटा, लॉजिकली डेटा आइटम्स का कलेक्शन है जिसको टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है, एंड दिस डेटा कैन बी एडेड, या इन दिस डेटा वी कैन एड, डिट्राइव, अपडेट और डिलीटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार उस डेटा में कुछ भी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, उसमें से किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले करवा सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, या मॉडिफाई अपडेट कर सकते हैं, और जरूरत ना होने पर उसको पर डिलीट भी कर सकते हैं। दिस इज नोन द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। अब बात करेंगे हम आपसे कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस, द सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट, द सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट, अपडेट और मॉडिफाइड एंड रिट्राइव्ड और डिस्प्लेड डेटा इज नोन एज डीबीएमएस। द सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट, एक वो सॉफ्टवेयर जो इन सभी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसमें उस किसी प्रकार के डेटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जाता है, और उस डेटा को अपडेट करा जाता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, डेटा क्रिएट करने के बाद यानी कि मॉडिफाई किया जाता है, एंड रिट्राइव किया जाता है, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार उस डेटा को डिस्प्ले करवाया जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको कहते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे क्लियर करे हैं, एक तो डेटाबेस की डेफिनेशन एंड डीबीएमएस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस। तो डेटाबेस की डेफिनेशन हो गई आपकी, और डीबीएमएस किसको कहते हैं ये भी बता दिया गया। डीबीएमएस में आपके चार आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, अपडेशन ऑफ डेटाबेस, रिट्राइवल ऑफ डेटाबेस, तीन एंड डिलीशन ऑफ डेटाबेस विच कैन नॉट बी मेंशनड हेयर ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज ए डीबीएमएस। When we practically implement the concept of theoretical database is known as DBMS. जब हम डेटाबेस के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको डीबीएमएस कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है।
हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस क्या होता है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, क्या उसकी डेफिनेशन है और डीबीएमएस किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस के फायदे क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया कि डेटाबेस की जरूरत क्या है। अब डेटाबेस की जरूरत है हमने पढ़ लिया जो डेटाबेस की इस वजह से जरूरत है। अब डेटाबेस के बाद हमने पढ़ लिया कि जो है डीबीएमएस भी कोई चीज होती है, यानी कि जब प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे डेटाबेस के कंसेप्ट को और उसमें अपडेशन क्वेरी अपडेशन करेंगे, डेटा को क्रिएट करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे, डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे, डेटा को डिलीट करेंगे, दिस इज नोन एज डीबीएमएस, उसको हम डीबीएमएस कह रहे हैं। तब डीबीएमएस में हम क्यों करें हम, तो इसके लिए हम डीबीएमएस के कुछ एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको नौ एडवांटेजेस आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। फर्स्ट एडवांटेजेस आपका फर्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज। द डेटा इन द डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो दैट द रिट्रीवल ऑफ रिक्वायर्ड डेटा इज फास्ट एंड एक्यूरेट। डेटाबेस में जो भी आपने डेटा स्टोर्ड करा वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में था, यानी कि टेबल फॉर्म में अरेंज करा था, स्टोर्ड करा था, इस प्रकार स्टोर्ड करा था उस डेटा को कि जो भी हमें उस पर डेटा की को रिट्रीव करने की आवश्यकता हो, यानी कि उस डेटा को डिस्प्ले करवाने की आवश्यकता हो, विजुअलाइज करने की आवश्यकता हो, तो उस डेटा को जल्दी से जल्दी फास्ट स्पीड के साथ रिट्रीव कर सकते हैं और जो डेटा रिट्रीव होकर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, 100% कन्फर्म हो, सही हो, करेक्ट हो। 99.9% भी अगर आपका करेक्ट है तो वो डेटा करेक्ट नहीं कहा जाएगा डेटाबेस में, वो जीरो कहा जाएगा, यानी कि वो डेटा गलत है। अगर 100% कंफर्म डेटा है, करेक्ट है, तो दैट डेटा इज नोन एज एक्यूरेट। तो और डीबीएमएस में ऐसा ही होता है, जब भी हम डेटा को क्रिएट करने के बाद टेबल्स की फॉर्म में डेटा को क्रिएट करने के बाद उसको जब रिट्राइव करते हैं तो डेटा हमारा बहुत तेजी से रिट्राइव किया जाता है, स्पीड यानी कि बहुत फास्ट होती है और बिल्कुल 100% एक्यूरेट डेटा आपका रिट्राइव होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एक्यूरेट कॉन्सेप्ट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का यही एडवांटेज है जिसकी वजह से हम डीबीएमएस को हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जगह यूज करते हैं। सेकेंड है डेटा एनालिसिस। इट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ डेटा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस के बेसिस पर। क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस के बेसिस पर हम अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं। इट इज इजी टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एवरेज और मीन यूजिंग अ डेटाबेस। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप कुछ फॉर्मूले आप अप्लाई करते हैं, सम के, एवरेज के, मैक्सिमम मिनिमम, इस टाइप के हम वहाँ पे फॉर्मूले जो अप्लाई करते हैं वो क्यों करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक शीट का जो डेटा है, एक्सेल शीट में जो डेटा है हमारे पास, उसको एनालिसिस करने के। तो इसी चीज को करने के लिए हम अपने डेटा बेस में जो भी हमने डेटा टेबल की फॉर्म में अरेंज करा है उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम कुछ कंडीशंस के बेसिस पर डेटा को जब एनालिसिस करते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एवरेज करना है या मीन निकालना है या सम करना है या मल्टीप्लाई करनी है, तो इस तरीके से हम कुछ कंडीशंस के बेसिस पर डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। हेल्प द डेटा शेयरिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन अर्लियर कंसेप्ट व्हिच यू हैव लर्न, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। डेटा शेयरिंग इफ द सेम डेटा सेट इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, देन द डेटाबेस कैन बी शेयर्ड विद अदर एप्लीकेशन। इसमें कहा गया है आपसे, अगर आपने डेटाबेस में कोई डेटा क्रिएट करा है और फिर डेटाबेस में डेटा क्रिएट करने के बाद आप किसी और सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं और वहां पर भी आपको उसी प्रकार के डेटा की आवश्यकता पड़ी जो डेटा आपने डेटाबेस में क्रिएट करा था, तो आपको उस डेटा को उस एप्लीकेशन पर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उस एप्लीकेशन में उस सेम डेटा को दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम उस एप्लीकेशन के साथ साथ
उस एप्लीकेशन के साथ हम अपने डेटाबेस के डेटा को शेयर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ डेटा शेयरिंग इन द डेटाबेस। इसी कंसेप्ट को डेटाबेस में डेटा शेयरिंग कहा जाता है। जब दूसरे ऐप डेटा को डेटाबेस में क्रिएट करने के बाद दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ उसको शेयर किया जाता है, शेयर करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अवेलेबल नहीं था। फोर्थ आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, जो कि आपकी लिमिटेशन थी, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की लिमिटेशन में, वही आपका एडवांटेज यहाँ पे भी आ गया, डेटा रिडंडेंसी। इस पॉइंट को स्टूडेंट आप जरूर तैयार करें, एडवांटेज इसमें जरूर लिख के आए इसको एग्जाम में। डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मीन्स सेम डेटा आर डुप्लीकेटेड और रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए सिंगल टेबल। एक ही टेबल में आप इस एक ही प्रकार का डेटा डुप्लीकेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिडंडेंसी मीन्स सेम डेटा आर डुप्लीकेटेड और रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग पोजिशन पर, अलग अलग लोकेशन पर एक ही प्रकार का डेटा यानी डुप्लीकेट डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार के डेटा को डेटा रिडंडेंसी या रिडंडेंट डेटा कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपका लिया यहाँ पे, टू स्टूडेंट्स हुज नेम्स आर सौरभ, हुज नेम्स आर सौरभ एंड अर्पित हैड असाइंड द सेम रोल नंबर 24 टू बोथ। दो स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है सौरभ, एक का नाम है अर्पित, हैड असाइंड द सेम रोल नंबर 24 टू बोथ। हमने क्या करा, उन दोनों स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर असाइन कर दिया, रोल नंबर 24। सौरभ का भी रोल नंबर 24 है और अर्पित का भी रोल नंबर 24। इट इज द केस ऑफ डेटा रिडंडेंसी, ये डेटा रिडंडेंसी का केस है, यानी कि और इसको हम डीबीएमएस के डेटाबेस के टूल्स के द्वारा डीबीएमएस में इसको रिमूव कर देंगे, रिडंडेंट कर देंगे, इस डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देंगे। तो सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। एंड फिफ्थ एडवांटेज इज डेटा कंसिस्टेंसी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, ठीक है, इसको भी तैयार करेंगे। डेटा कंसिस्टेंसी बाय मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी, जैसे मैंने अभी ऊपर फोर्थ पॉइंट में आपको बताया कि डेटा रिडंडेंसी को आपको डुप्लीकेट डेटा को कैसे रिडंडेंट करना है, कैसे मिनिमाइज करना है। द चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा बीइंग स्टोर्ड इज रिड्यूस, तो जैसे ही आपकी डेटा रिडंडेंसी की परसेंटेज मिनिमाइज होती है डीबीएमएस में डेटाबेस टूल्स का यूज करके, उसी तरीके से आपका जो डेटा इनकंसिस्टेंसी का जो कंसेप्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। एग्जांपल, इट शुड नॉट हैपन दैट द नेम ऑफ स्टूडेंट इज चेंज्ड इन वन टेबल नॉट इन अनदर। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे पहले ये बता दूं कि डेटाबेस में जैसे ही आपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया था, एक ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज किया था, तो इसी तरीके से आप अपने डेटा को जब ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज करेंगे करते हैं डीबीएमएस में, तो आप कितनी भी टेबल्स में उसको अरेंज कर सकते हैं। सपोज करिए आपने दो टेबल्स बनाई हैं और दोनों टेबल्स में स्टूडेंट्स के नेम सेम हैं, तो इन टेबल वन यू क्रिएट ए डेटा, यू क्रिएट द नेम ऑफ स्टूडेंट नेम एज सौरभ। आपने टेबल क्रिएट करी, उस टेबल में आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करा और उस टेबल में जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करा वो नाम स्टूडेंट का था सौरभ, रोल नंबर 24। सेकंड टेबल में आपने क्या करा, रोल नंबर 24 कर दिया और उसी सौरभ नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर दिया। कुछ समय बाद पता लगा कि उस स्टूडेंट का, जो सौरभ नाम का स्टूडेंट था जिसका रोल नंबर 24 था, उसका जो नेम था अब वो चेंज कर लिया उसने, अब सौरभ से उसने अपना नाम रख लिया अर्पित। तो हमने क्या करा, फर्स्ट टेबल में आपने रोल नंबर 24 का जो नाम था उसको अपडेट कर दिया, सौरभ से अर्पित कर दिया, पर आपने टेबल वन में ही करा है, टेबल टू में उसको आपने नहीं करा। तो दिस टाइप ऑफ मिसमैचिंग ऑफ डेटा इन वन और मोर टेबल विद द सेम रोल नंबर और द सेम आईडी इज नोन एज डेटा कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंट। ये डेटा आपको क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है, यानी कि सभी जगह पूरे डेटाबेस में जितने भी आपका डेटा है वो सभी जगह एक ही आईडी का या एक ही रोल नंबर का जो डेटा है वो सभी जगह मिसमैच है, सभी जगह मैच नहीं हो रहा है।
this data is known as inconsistent data. But when we use the concept of DBMS at the time of creation of data in an organized manner by using the tool of database. डेटाबेस के टूल्स का यूज करके हम डीबीएमएस में डेटा को अरेंज करते हैं टेबल्स की फॉर्म में या सिक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा को क्रिएट करते हैं, तो उस डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम जो वहां पे रिड्यूस होता रहती है और जिसको एडवांटेजेस के रूप में डेटा कंसिस्टेंसी बोला जाता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताई है, सच इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस्ड बाई यूजिंग डीबीएमएस। इस टाइप की जो इनकंसिस्टेंसी है वो डीबीएमएस के द्वारा रिड्यूस कर दी जाएगी आपके डेटा में जो आपने डेटा जनरेट करा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। आपका नेक्स्ट एडवांटेज आता है एडवांटेज नंबर 6, इंक्रीज एफिशिएंसी। जो आपने डेटा क्रिएट किया है डीबीएमएस में डेटाबेस टूल्स का यूज करके उस डेटा की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। डेटाबेस टेबल्स आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया डेटाबेस की डेफिनेशन में कि आपका जो डेटाबेस में जो डेटा हम अरेंज करते हैं वो ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज होता है, वो टेबल्स की फॉर्म में अरेंज होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया कि जो डेटाबेस में टेबल्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती हैं, सेव होती हैं और उस टेबल्स में जो डेटा आपका स्टोर्ड होता है वो रीड किया जा सकता है एंड सर्चिंग डेटा कैन बी कैरीड आउट एफिशिएंटली। और टेबल्स में जो भी डेटा स्टोर्ड है उसको उसमें से डेटा को आराम से सर्च भी करा जा सकता है जिससे आपका डेटा जो है प्रॉपरली आपका मेंटेन रहे। और इस टाइप के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेटाबेस के टूल्स का हम यूज करते हैं वो इतना ज्यादा फास्ट है, वो इतना एफिशिएंट है कि आपको एक तरीके से प्लग झपकाते ही आपका जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। आपका डेटा को अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आपके डेटाबेस में जो भी डेटा आपने क्रिएट करा, जो डेटाबेस में टेबल्स में आपने डेटा जनरेट करो, उसमें से हजारों करोड़ों की संख्या में आपका डेटा स्टोर्ड हो, वो सेकंडों में आपको आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा को सर्च करके आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। इस वजह से इसकी डेटाबेस में डेटा को जो हम डीबीएमएस में जो डेटा को हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस टूल्स के द्वारा, उसका एक एडवांटेज ये भी है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है बाकी अदर एप्लीकेशन के द्वारा जो डेटा क्रिएट किया जाता है उनके कंपैरिजन में। सेवन्थ है इंक्रीज एक्यूरेसी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है, 100% कंफर्म रिजल्ट देता है। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी मिनिमाइज्ड इन ए डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा कंसिस्टेंसी को डेटा रिडंडेंसी डेटा इनकंसिस्टेंसी इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। ये कैसे मिनिमाइज होना मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। डेटा रिडंडेंसी भी कर दिया, डेटा कंसिस्टेंसी भी कर दिया और इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर दिया जाता है एंड द डेटा इज डिराइव एक्यूरेटली फ्रॉम द डेटाबेस। और उसके साथ साथ डेटाबेस में से डेटा आपका जो रिट्राइव किया जाता है वो एक्यूरेट रिट्राइव किया जाता है। अगर आपने कोई कंडीशन वहाँ पे दिया तो उस कंडीशन के अनुसार जो डेटा मैच कर रहा हो वो डेटा आपको फिर डिस्प्ले करवाया जाएगा। अब आपका आता है यहाँ पे इंक्रीज वैलिडिटी। इंक्रीज वैलिडिटी में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेटा फील्ड्स कैन बी असाइंड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करते समय जो आपकी वहाँ पे डेटा फील्ड्स होती हैं उनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में हम कुछ डेटा रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देते हैं जो हमारी चेक करता है। जब भी हम कोई डेटा एंटर करेंगे तो चेक करेगा कि आपने डेटा वैलिड जो डेटा एंटर करा वो कंडीशंस के अनुसार वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम वैलिडेशन ऑफ डेटाबेस भी कहते हैं। इट इंक्रीजेस द वैलिडिटी ऑफ डेटा। इससे कंडीशंस अप्लाई करने से वहां पे क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस में जो डेटा है उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है और उसकी वैलिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। वी कैन सेट ए रेस्ट्रिक्शन व्हाइल क्रिएटिंग टेबल इन ए डेटाबेस। जब हम डेटाबेस में
टेबल को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन हम सेट कर सकते हैं, सच दैट इस प्रकार सेट कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ फीस बिंग एंटर्ड शुड बी मोर देन 1000, जो आपकी फीस का अमाउंट है वो 1000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने फीस वाले कॉलम में अगर वैल्यू 1000 से नीचे आप एंटर करेंगे तो वो आपका डेटा इनवैलिड हो जाएगा, वो दिखा देगा नॉट वैलिड डेटा, ठीक है। तो अगर आप 1000 भी एंटर करेंगे तो भी इनवैलिड दिखाकर, हाँ 1001 आप एंटर करेंगे यानी कि 1001 आप एंटर करेंगे तो वो 1000 से ज्यादा है तो वो आपका डेटा वैलिड होगा, यानी कि फीस आपकी कंफर्म है कि 1000 से ज्यादा होगी ही होगी। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा वैलिडेशन इन ए फील्ड। तो आपने जो डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करा था DBMS टूल्स का यूज करके, उसमें जो डेटा है उसका वैलिडिटी इंक्रीज हो गई है और इस चीज को हम डेटा वैलिडेशन भी कहते हैं। और लास्ट एडवांटेज आपका आता है DBMS का, वो आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या, अनऑथराइज एक्सेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग पासवर्ड्स टू द ऑथराइज्ड यूजर्स, टू द ऑथराइज्ड यूजर्स। इसमें हम पासवर्ड्स के द्वारा अपने डेटा को अनऑथराइज्ड गलत यूजर्स के साथ एक्सेस करने से बचा सकते, उनसे हम अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, अपने डेटाबेस में पासवर्ड को, अपने डेटा को पासवर्ड असाइन करना होगा, पासवर्ड अप्लाई करना होगा। तो किसको अप्लाई करना होगा, डेटा को भी अप्लाई करना होगा और जो हमारे ऑथराइज यूजर हैं, जो हमारे डेटाबेस पर वर्क कर रहे हैं उनको हमें पासवर्ड देना होगा, उनको पासवर्ड हम प्रोवाइड करेंगे, उस पासवर्ड का यूज करके ही वो डेटाबेस पर वर्क कर सकते हैं। तो जब तक वो पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगेगा, ठीक है, वो डेटा मैंने जो जनरेट करा वो किस नाम से जनरेट करा है, जो टेबल में मैंने डेटा क्रिएट करा है, टेबल के फॉर्म में मैंने डेटा को अरेंज कराया है, वो टेबल मैंने किस नाम से सेव करी, जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगेगी तो अनऑथराइज यूजर जो है हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो पासवर्ड भी सिक्योर्ड है और वो विजिबल भी नहीं है बहुत तरीके से। तो डेटा इज मेंटेन्ड इन सच ए मैनर, तो डेटाबेस में डेटा को आपका इस तरीके से मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाता है इन सच ए मैनर दैट अनऑथराइज यूजर्स आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट डेटा। जो अनऑथराइज यूजर्स हैं वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, वो एबल नहीं होंगे आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो दिस सिक्योरिटी टेक्निक इज नोन एज इनक्रिप्शन। इस सिक्योरिटी टेक्निक को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इनक्रिप्शन टेक्निक भी कहते हैं। हालांकि परंतु आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि इनक्रिप्शन टेक्निक आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, DBMS के एडवांटेजेस पढ़ने हैं। तो केवल आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है कि इस टाइप की जो सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं इसको हम इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस में, तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन कंसेप्ट है उससे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ये स्टूडेंट्स इसको हम शॉर्ट में मॉडल भी बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RDBMS, फुल फॉर्म इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आपका DBMS था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरीके से आपका एक नया मॉडल जनरेट होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS। DBMS और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के कंसेप्ट के बिहाफ पर एक नया मॉडल का कंसेप्ट लॉन्च किया गया जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखते हैं इसके बारे में। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1970 बाय E.F. कॉर्ड। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल RDBMS का जो कंसेप्ट है सबसे पहले दुनिया के सामने E.F. कॉर्ड नाम के एक साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1970 में इसका कंसेप्ट दिया था, जिसको इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहा था। इट इज द कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। द डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स विच इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये डेटाबेस मॉडल जो है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है सबसे कॉमन डेटाबेस मॉडल है
उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इस मॉडल में जो डेटा एलिमेंट्स हैं, जो हम डेटा को अलग अलग टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं, ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ डीबीएम एंड जीबीएम से कंसेप्ट्स के बेसिस पर जो हम डेटा को अलग अलग टेबल्स में डिफरेंट टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर कर रहे हैं, वो जो टेबल है वो आपकी दो चीजों से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। उस वो टेबल आपकी दो चीजों को मिलाकर के बनाई गई होती है, रोज एंड कॉलम। या हम ये भी कह सकते हैं कि उस टेबल में दो चीजें होती हैं, वन इज रो एंड सेकंड इज कॉलम। हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टेबल ए ली है। टेबल ए में आप देखेंगे जो आपकी टेबल है इसमें कुछ कॉलम्स हैं, जैसे रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। ये आपके कुछ कॉलम्स हैं, उसमें मैंने डेटा को एंट्री करी है, ठीक है, ये टेबल ए है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल बी ली है। टेबल बी में मैंने आपका जो लिया है एक तीन कॉलम्स लिए हैं, रोल नंबर, फादर नेम एंड मदर नेम। अब आप यहाँ पे एग्जांपल में अगर ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे जो रोल नंबर वाला कॉलम है इन बोथ द टेबल्स, टेबल ए एंड इन टेबल बी, दोनों रोल नंबर वाले कॉलम में, दोनों टेबल के रोल नंबर वाले कॉलम में जो वैल्यूज हैं, यानी कि जो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, वो दोनों टेबल्स में सेम हैं। तो इससे मुझे ये पता लगता है कि आपने जो डेटा मल्टीपल टेबल्स में अरेंज किया, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज किया और टेबल्स की फॉर्म में उसको जो है अरेंज करा और टेबल्स की फॉर्म में उसको डेटा को स्टोर करा, तो वो जो डेटा है आपका वेरियस टेबल्स में डिफरेंट टेबल्स, वो भी टेबल्स का जो डेटा है, मल्टीपल टेबल्स का जो डेटा है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट और दिस लॉजिक मींस दैट टू और वन और मोर टेबल्स are related with each other with a common name of columns in each table। इसमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपसे कि जब आपके डेटाबेस में एक और एक से ज्यादा टेबल्स हों और वो दो सभी टेबल्स एक कॉमन कॉलम के द्वारा सभी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हों, उस कंसेप्ट को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है, RDBMS कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ए में जो रोल नंबर वाला कॉलम है आपका और टेबल बी में जो रोल नंबर वाला कॉलम है वो सेम है। तो यानी कि टेबल ए एंड टेबल बी आर रिलेटेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन कॉलम नेम्ड एज रोल नंबर। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करते कि RDBMS का कंसेप्ट अगर हम जनरेट करते हैं तो वो ये कहा जा सकता है कि टेबल ए और टेबल बी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। किस कॉलम के द्वारा रिलेटेड है? रोल नंबर वाले कॉलम के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि दोनों टेबल्स के रोल नंबर वाले कॉलम्स में सभी वैल्यूज सेम हैं। सो दीज टू टेबल्स ऑफ ए डेटाबेस आर रिलेटेड विद ईच अदर कोरस्पॉन्डिंग टू द अदर रिकॉर्ड्स विच आर एंटर्ड इन द सेपरेट टेबल्स। तो सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस और ऑल्सो नोन एज RDBMS। एंड दिस मॉडल was proposed by E.F. Codd, computer scientist in 1970, known as relational database model। और इस मॉडल को E.F. Codd नाम के कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा 1970 में लॉन्च किया गया था और इस मॉडल को उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और कहा था, जिसको हम शॉर्ट में RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंसेप्ट के रूप में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा आता है रिलेशनल डेटाबेस। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि रिलेशनल डेटाबेस का जो मेन कंसेप्ट है वो अभी हमने यहाँ पे समझा। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, क्यों लॉन्च करा गया था, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, वो हमने समझा। अब आपको रिलेशनल डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा और एक सिंपल डेफिनेशन आपको बता देते हैं।
रिलेशनल डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस। एक डेटाबेस में एक और एक से ज्यादा टेबल्स के कलेक्शन को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। एक डेटाबेस जिसमें एक से ज्यादा टेबल्स क्रिएट करी गई हों और वो सभी टेबल्स एक कॉमन कॉलम्स के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड हों, दिस डेटाबेस इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा सिलेंड्रिकल बॉक्स सिलेंडर बना हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका रिलेशनल डेटाबेस है, यानी कि जो सिलेंडर है वो आप डेटाबेस कंसीडर करेंगे और इसमें आप देखेंगे दो टेबल्स बनी हुई हैं, फर्स्ट टेबल एंड दिस इज सेकंड टेबल। तो फर्स्ट टेबल में अगर आप देखते हैं तो आपके 5 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एडमिशन, दीज आर द कॉलम इन फर्स्ट टेबल। And in table second or table two, these are the columns known as roll number, book number, date of issue and date of return. ठीक है, ये आपका जो database है, जो cylinder है आपका, ये जो cylindrical shape है, ये आपका क्या है? ये database है, ठीक है। Database के अंदर आपके दो tables हैं, ये हमने table one मान ली है, इसको हम table one मान लेते हैं और इसको हम टेबल टू मान लेते हैं। टेबल वन और टेबल टू दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स में अगर आप देखेंगे तो रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो दोनों टेबल्स में सेम है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि एक कॉमन कॉलम के हेल्प से, कॉमन कॉलम की वैल्यूज के द्वारा सभी टेबल्स एक ही डेटाबेस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो उस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है, RDBMS कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को किसके द्वारा डेवलप किया गया था या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, EF कॉन्ट के द्वारा करा गया था। कब करा गया था? 1970 में किया गया था, ठीक। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को लॉन्च करते समय, डेवलप करते समय EF कॉन जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है उन्होंने क्या थ्योरी एक्सप्लेन करी, तो उसमें आप वो लिखेंगे जो मैंने आपको अभी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में एग्जांपल के हेल्प से एक्सप्लेन करा। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या, व्हाट डू यू मीन बाय RDBMS, RDBMS से आप क्या समझते हैं। तो आपको पहले तो RDBMS की जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको पहले क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है RDBMS की, ठीक है, जो आपकी फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आपको अगर वेरी शॉर्ट में पूछा गया है तो आप फुल फॉर्म के साथ साथ केवल और केवल इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन बता दीजिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ये आपको एक्सप्लेन करी गई है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस, और आप ये छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए। और यदि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है या शॉर्ट में, यानी कि 30 से 40 शब्दों में आपसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप पहले एक लाइन में आप ये बता दीजिए कि RDBMS जो है मॉडल जो है, ये कंसेप्ट जो है किसके द्वारा दिया गया था और कौन से ईयर में इसको दिया गया। इसके बाद आप RDBMS की डेफिनेशन दे दीजिए और एक एग्जांपल देकर के आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप था आपका RDBMS का कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे अभी अपनी वीडियो में बने रहिए, क्लास के साथ बने रहिए आप, और मैं आपको ऐसे कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स आपके साथ ऐसे शेयर करने वाला हूँ, कुछ डेफिनेशन से शेयर करने वाला हूँ, जो रिलेशनल डेटाबेस के कंसेप्ट को जब हम आगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे पहले सबसे ज्यादा और सबसे पहले वीडियो को मिल सके और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, Thank you.
जो कि आता है टर्म्स यूज्ड इन आरडीबीएमएस। आपके कुछ टर्म्स हैं जो आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज की जाती हैं। उसकी कुछ टर्म्स में सबसे फर्स्ट टर्म आती है आपकी एंटिटी। एंटिटी क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। यानी कि वो कोई इट इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है अबाउट विच जिसके बारे में इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड कर रहे हैं। दिस एंटिटी और दिस ऑब्जेक्ट विच ऑन विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस इज नोन एज एंटिटी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आरडीबीएमएस। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते समय उस डेटाबेस में आप किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को, किस चीज की इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड कर रहे हैं। किसने किसी चीज के बारे में तो आप इंफॉर्मेशन स्टोर्ड कर रहे होंगे ना, वो चीज आपकी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आरडीबीएमएस के कंसेप्ट में एंटिटी कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी स्टूडेंट, मान के चलिए हम एक एंटिटी ले रहे हैं जिस एंटिटी का नाम है स्टूडेंट। यानी कि हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उस डेटाबेस में हम जो इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड करवाना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड करवाना चाहते हैं। देन वी नीड, उस केस में वी नीड, हमें आवश्यकता है टू हैव हिज और हर एडमिशन नंबर। हमें उस जिन जिन स्टूडेंट्स की मेरे को इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करवाना है, उन स्टूडेंट्स का मेरे को एडमिशन नंबर चाहिए, रोल नंबर चाहिए, उनका नेम चाहिए, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी उनकी पर्सनल डिटेल्स मेरे को चाहिए जिससे मैं अपने डेटाबेस में स्टूडेंट एंटिटी के नाम से जो है अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकूं। तो दीज डिटेल्स आर एसोसिएटेड विद एन एंटिटी कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। ये जो डिटेल्स हैं ये एक पर्टिकुलर एंटिटी से एसोसिएटेड है, एक पर्टिकुलर एंटिटी से लिंक्ड है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर स्टूडेंट, तो उस ऑब्जेक्ट को हमने आरडीबीएमएस कंसेप्ट में एंटिटी कह दिया। और ये सभी डिटेल्स एंटिटी से के बारे में बताया जा रही है, एसोसिएटेड हैं, उससे एसोसिएटेड हैं, यानी कि उसी के बारे में बात हो रही है, उस जो ऑब्जेक्ट है उसी के बारे में बात हो रही है। तो उस जो डिटेल्स हैं उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। यानी कि जो भी आपकी सब डिटेल्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, वो सभी सब डिटेल्स जो हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस एंटिटी के लिए एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं इन द कंसेप्ट ऑफ आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस के कंसेप्ट के बेसिस पर। सेकंड आपका जो टर्म यूज की जाती है वो यूज की जाती है आपकी यहाँ पे टेबल। टेबल किसे कहते हैं, ठीक है, देखते हैं टेबल को, टेबल किसे कहेंगे। टेबल, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेट ऑफ कॉलम्स एंड हैव एनी नंबर ऑफ रोज। आपका जो टेबल है, टेबल में आपके लॉजिकली सिक्वेंशियली एक दूसरे से रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको आरडीबीएमएस के कंसेप्ट में बताया था कि आपके जो टेबल्स हैं, आपने डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट करेंगे, जो टेबल क्रिएट करी है वो सभी टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है कुछ कॉमन कॉलम्स के द्वारा। तो इसी तरीके से एक वहां पे तो दो टेबल्स का कंसेप्ट हमने लिया था, परंतु एक ही टेबल में अगर हम एक एंट्री की बात करें तो उस वहां पे क्या था, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, उसका फादर नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सारी डिटेल्स क्या है, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बात हो रही है। और ये सभी डिटेल्स किसमें सेव है, एक टेबल में सेव है। तो उस डिटेल को, उस रो को जो
डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे डिकोड बोल रहे हैं। तो वो डिकोड जो है लॉजिकली रिलेटेड है, यानी कि सभी वैल्यूज जैसे उसका एडमिशन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ऑल दीज वैल्यूज आर रिलेटेड लॉजिकली। ये सभी वैल्यूज जो है लॉजिकली रिलेटेड है एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में, सेंस में, किसी ना किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इट इज एन ऑर्गेनाइज एज ए सेट ऑफ कॉलम। तो ये सभी वैल्यू जो सब वैल्यू जो है वो कॉलम्स के फॉर्म में सेट की गई हैं, ऑर्गेनाइज की गई, स्टोर की गई, एंड हैव एनी नंबर ऑफ रोज। और इसी टाइप से सभी प्रकार के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को, सभी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए उस टेबल में कितनी भी रोज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट टेबल कैन हैव कॉलम्स नेमली रोल नंबर। आपको एक टेबल डेटाबेस में टेबल बनानी है, टेबल क्रिएट करनी है जो कि स्टूडेंट के नाम से आप टेबल बनाएंगे और उसमें ये कॉलम्स आप रखेंगे, रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सभी कॉलम्स आपके उसमें होनी चाहिए। एंड हैव रिकॉर्ड्स और रोज हैविंग डेटा ऑफ 50 स्टूडेंट। और उसमें आपकी जो क्लास है, सपोज करिए 50 स्टूडेंट है, तो उन सभी 50 के स्टूडेंट का आपको डेटा को उसमें एंट्री करनी है। तो ये जो आपकी 50 स्टूडेंट है, यानी कि 50 रोज हो गई, तो ये तो आपकी कहलाएंगी रोज। और जो आपके कॉलम्स हैं, ठीक है, ये आपके रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सभी आपको क्या कहलाएंगे, कॉलम्स कहलाएंगे। तो यानी कि रो और कॉलम्स को मिलाकर के जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसमें हमने डेटा को एंटर किया था एक लॉजिकली वे में, जो सभी वैल्यूज को एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए, उसको हम कहते हैं टेबल। थर्ड इज आता है फील्ड और कॉलम और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या आता है, फील्ड और कॉलम और एट्रीब्यूट्स। ए फील्ड इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस की जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है, डेटाबेस की जो सबसे छोटी एंटिटी, सबसे छोटा जो ऑब्जेक्ट है, सबसे छोटी जो यूनिट है, वो है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कॉलम। टेबल में जैसे हमने सेकंड पॉइंट में मैंने अभी आपको बताया कि टेबल में आपकी रोज होती है और कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पे फील्ड जो है कॉलम के नाम को, या टेबल में आपको दो चीज बताई गई है, रो और कॉलम। तो यहाँ पे मैं पहले कॉलम की बात करूं, कॉलम का दूसरा नाम फील्ड है और उसी का दूसरा नाम एट्रीब्यूट्स है। यानी कि जो टेबल में हम कॉलम पढ़ रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS में उसको दो नाम से यूज करा गया, फील्ड और एट्रीब्यूट। और आज से अगले कुछ दिन, जब तक भी मैं डेटाबेस का कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, डेटाबेस में जब तक हम आपके कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, तो जैसे ही टेबल में कॉलम्स की बात आएगी तो हम कॉलम नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे फील्ड और एट्रीब्यूट्स। फील्ड और एट्रीब्यूट्स का जैसे ही नाम आए डेटाबेस में, तो आप समझ जाइए टेबल की कॉलम की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर टेबल में कॉलम की बात हो रही है, एक कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक ए रिकॉर्ड, ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मेक ए टेबल, एंड ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स मेक ए डेटाबेस। ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मेक ए रिकॉर्ड। फील्ड्स के कलेक्शन को रिकॉर्ड कहा जाता है, और रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को टेबल कहा जाता है, और टेबल्स के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे इस पॉइंट को। ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मेक ए रिकॉर्ड। जो आपने टेबल में डेटा की एंट्री कर दिया, उसमें आपने काफी सारे कॉलम्स बनाए, यानी कि काफी सारे फील्ड बनाए, उन सभी फील्ड्स के आपने मान लीजिए टेबल आपने बनाई है, उस टेबल में 5-6 कॉलम आपने ले लिया, यानी कि मींस 5 और 6 फील्ड्स ले लिया आपने, 5-6 एट्रीब्यूट ले लिए। तो अब हम वहां पे फील्ड्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। अब ये नहीं बोलेंगे 6 फील्ड्स हैं या 6 एट्रीब्यूट्स हैं, ये नहीं बोलेंगे। अब हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ फील्ड्स या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, उस एक पर्टिकुलर टेबल में फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स का जो कलेक्शन है वो तो रिकॉर्ड्स कहलाता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रो, रिकॉर्ड्स को रो बोलते हैं। और एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जो सभी रोज हैं, यानी कि आपने अभी जो 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर किया था, जो 50 रोज हैं, उन सभी के कलेक्शन को टेबल कहलाया जाता है। और जब आप एक से ज्यादा टेबल्स क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, तो क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। आप एक से ज्यादा टेबल्स क्रिएट करते हैं, आपने 2-3 टेबल्स क्रिएट कर दी और एक सेपरेट जगह एक न्यू फोल्डर में उनको स्टोर करवा दिया, दैट न्यू फोल्डर इज नोन एज डेटाबेस। ठीक, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं।
Fields are individual records and are presented as columns within a table. Fields are individual records. Fields जो है एक individual record को यानी कि सब fields को show करते हैं किसी भी object की किसी भी entity की यानी कि एक student है entity उस student में particular student है जिसका नाम है राकेश उस राकेश के लिए अगर मैं फील्ड में उसके इंफॉर्मेशन को उसकी डिटेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तोड़ रहा हूँ तो आपकी जो सब डिटेल्स आएंगी जैसे उसका नेम उसका फादर नेम उसका मदर नेम उसका रोल नंबर एडमिशन नंबर डेट ऑफ एडमिशन क्लास सेक्शन एड्रेस मोबाइल नंबर ऑल दीज आर द सब डिटेल्स ऑफ दैट स्टूडेंट हुज नेम इज राकेश These individual details or sub details are recorded in the form of fields or attributes of a table. वो सभी जो individual sub fields हैं किसी भी particular student के लिए वो आपकी fields की form में या attributes की form में stored करी जाती हैं एक table में जो table आपकी database में create की गई है और ये जो कंसेप्ट आपका कहलाता है ये कंसेप्ट आपका RDBMS का कंसेप्ट कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम जब डेटाबेस में को क्रिएट करते हैं डेटाबेस में को क्रिएट करने के बाद उसमें हम जब टेबल को क्रिएट करते हैं तो आपको वहां पे ये सभी टर्म्स का यूज करना होता है तो वहां पे जो आपकी जो सब फील्ड है वो कॉलम्स की फॉर्म में टेबल्स में कॉलम की फॉर्म में आपको शो होती है इसके बाद आता है आपका डेटा वैल्यूज आर स्टोर्ड इन ए डेटाबेस एज फील्ड्स जो भी आप वैल्यूज को स्टोर्ड करेंगे जैसे नेम हो गया राकेश राकेश जो एक नाम है स्टूडेंट की ये वैल्यू है डेटा वैल्यू स्टोर्ड इन ए डेटाबेस जो डेटाबेस में स्टोर्ड करी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एज फील्ड फील्ड की फॉर्म में एट्रीब्यूट की फॉर्म में उसका फादर नेम हो गया राम कुमार तो राम कुमार जो एक डेटा वैल्यू होगा जो फादर नेम वाले कॉलम या फादर नेम वाले फील्ड में वैल्यू की फॉर्म में स्टोर हो रहा है दिस इज द टर्म इन RDBMS व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट ए डेटाबेस जो हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं चलिए आगे चलते हैं कुछ टर्म्स हो रहे हैं अभी हमारी फोर्थ टर्म आती है आपकी डेटा वैल्यूज अभी आपने थर्ड टर्म में जब फील्ड और कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसमें वैल्यू शब्द आया था डेटा वैल्यूज तो डेटा वैल्यू क्या है इट इज ए रॉ डेटा रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म इट इज ए रॉ डेटा यानी कि एक रॉ डेटा यानी कि फैक्ट्स है जो रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को कैरेक्टर्स को या अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म को अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म मींस वो डेटा जिसमें आपका अल्फाबेट्स भी हो और आपकी काउंटिंग नंबर्स भी हो और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे परसेंटेज का साइन डॉलर का साइन एट द रेट हैशटैग ये सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं न्यूमेरिक डेटा 0 to 9 कैरेक्टर्स A to Z ये अल्फाबेट्स यानी कि A to Z और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म जिसमें इन सभी तीनों कॉम्बिनेशन हो विद स्पेशल कैरेक्टर दिस वैल्यू इज नोन एज डेटा वैल्यू जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है राकेश तो राकेश जो है एक डेटा वैल्यू उसका मोबाइल नंबर है 7895 तो 7895 इज ए डेटा वैल्यू विच इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द स्टूडेंट whose name is Rakesh जो मोबाइल नंबर 78954 जो नंबर है आपका ये किससे रिलेटेड है लॉजिकली रिलेटेड है किससे उस स्टूडेंट के वैल्यू से रिलेटेड है जिस स्टूडेंट का नाम राकेश है तो ऑल दीज डेटा वैल्यूज आर लॉजिकली रिलेटेड विद ईच अदर विच आर रिप्रेजेंटेड और डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स और फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस में आपके टेबल में पर्टिकुलर कॉलम में या फील्ड्स में या एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू को डिस्प्ले करा जाता है उनके लॉजिकली रिलेशन ऑफ डेटा वैल्यूज को क्या कहा जाता है एक रिकॉर्ड कहा जाता है एक रो कहा जाता है
यही बताता है कि रो रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसको कहते हैं, द डेटा वैल्यूज फॉर ऑल फील्ड्स रिलेटेड टू ए पर्सन इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड, इट इज प्रेजेंटेड एज रोज विद इन ए टेबल। आपने टेबल क्रिएट करी, टेबल में एक रो है, उसको हम रिकॉर्ड भी कहेंगे और उसको टपल भी कहेंगे। जिस तरीके से हम अपनी टेबल में कॉलम्स को दो नाम से जानते हैं, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, इसी तरीके से रिलेशनल डेटाबेस में टेबल में जो रो है आपकी उसको भी दो नाम से जानेंगे, एक तो रिकॉर्ड्स और एक टपल्स। ए रिकॉर्ड होल्ड्स द डेटा वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड्स फॉर ए सिंगल पर्सन इन ए टेबल। टेबल में पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो सभी फील्ड्स या सभी एट्रीब्यूट्स की जो डेटा वैल्यू, उनके लॉजिकली कॉम्बिनेशन को, लॉजिकली रिलेशन को, लॉजिकली रिलेटेड वैल्यूज को एक रो कहा जाता है, एक रिकॉर्ड कहा जाता है, एक टपल कहा जाता है। किसका टपल, किसका रिकॉर्ड, किसकी रो, उस टेबल की जिसमें वो मेंशन किया गया है, जिसमें वो एंटर किया गया है रिकॉर्ड। एक नया कंसेप्ट आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, एक न्यू टर्म आपको यूज करते हैं, आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में डेटाबेस का, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रिलेशन, ए टेबल इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड एज रिलेशन। अब डेटाबेस में जो आपने अभी तक टेबल बनाना सीखा, जिसको हम टेबल बोल रहे हैं, उस टेबल का भी दूसरा नाम होता है रिलेशन। यदि हम अपने डेटाबेस में रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको समझ जाना है कि मींस टेबल की बात हो रही है। एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए लेना चाह रहा हूं कि सपोज करिए वी क्रिएट ए रिलेशन इन ए डेटाबेस नेम एज स्टूडेंट हुज फील्ड्स आर रोल नंबर, नेम एंड फादर्स नेम, and its those values are name is Rakesh, father name is Ram Kumar. So in this example, relation is known as table, field are called as also called as attributes or columns of that table, us table ki, and the Rakesh और फादर्स नेम इज राम कुमार आर द रोल और रिकॉर्ड और टपल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट विच आर रिलेटेड विद इच अदर एंड ए पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज डेटा वैल्यू एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। और इन सभी के कॉम्बिनेशन को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है टेबल ली हैं, दो टेबल बनाई है मैंने, टेबल वन और यहाँ पे टेबल टू है। तो ये जितने भी आपके कॉलम्स हैं, जैसे रोल नंबर वाला कॉलम है, स्टूडेंट नेम हो गया, क्लास हो गया, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, तो ये सब भी क्या है, फील्ड्स है। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कॉलम्स के नेम को हम फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी टेबल्स हो गई, ठीक है, ये आपकी टेबल्स हैं, ये आपकी टेबल वन हो गई है, ठीक है, और ये आपकी टेबल टू हो गई आपकी, ठीक है, और आगे आपके रिकॉर्ड्स हो गए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड टेबल में आपके जो कॉलम्स हैं, रोल नंबर, बुक नंबर, डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ रिटर्न, दीज आर द फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टू। अब यहाँ पे अगर हम टेबल वन की बात करें तो रोल नंबर 913, दीपक कुमार, क्लास 10, डेट ऑफ बर्थ 6/4/2004, डेट ऑफ एडमिशन 25/6/2018। तो ये सभी जो है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये आपका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो गया। यानी कि ये वाला जो है, ये रोल नंबर 913 वाला जो है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा। और इसमें अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू की मैं बात करूं, जैसे ये दीपक कुमार है, अगर मैं केवल और केवल इसी की बात करता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, एक वैल्यू कहलाएगी, यानी कि जिस आल्सो नोन एज डेटा वैल्यू, जिसको हम डेटा वैल्यू बोलते हैं, जो आपकी न्यूमेरिक कैरेक्टर या अल्फा न्यूमेरिक किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको डेटाबेस में पता होनी चाहिए, इनको एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू की फॉर्म में एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इनको जरूर, कंसेप्ट को जरूर यूज करें।
और जरूर इनकी स्टडी करें। अगला टॉपिक देखते हैं, इनिशियल बेसिस पर डिग्री एंड कार्डिनेलिटी ऑफ ए टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो हमने टेबल अभी हमने कंसेप्ट टेबल का यूज करा रिलेशनल डेटाबेस में, उसमें आपके दो कंसेप्ट और आते हैं डिग्री एंड कार्डिनेलिटी। तो स्टूडेंट परेशान नहीं होना है, बहुत इजी कंसेप्ट है डिग्री और कार्डिनेलिटी का। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे आपके डिग्री की। द नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट इन ए टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ए टेबल और रिलेशन। आपकी एक पर्टिकुलर टेबल एक रिलेशन में कितने फील्ड हैं या कितने एट्रीब्यूट हैं, वही आपकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अभी कार्डिनलिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ टपल्स और रिकॉर्ड्स इन ए टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ ए टेबल और रिलेशन। एक टेबल में या एक रिलेशन में जितने आपने रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जितनी आपकी रो हैं, जितने आपके टपल्स हैं, वही आपकी कार्डिनलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। कंसिडर द टेबल स्टूडेंट, मैंने एक टेबल कंसिडर कर लिया जिसका टेबल का नाम है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ पे एक टेबल कंसिडर करी है, उस टेबल को आप यहाँ देख सकते हैं, टेबल का नाम है स्टूडेंट। टेबल में मैंने आपके तीन कॉलम्स लिए हैं, यानी कि टेबल को तो हम यहाँ बोलते हैं रिलेशन, यानी कि जो मैंने रिलेशन क्रिएट करा उसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, फादर नेम एंड मदर नेम, ठीक। तो द डिग्री ऑफ द टेबल नेम्ड एज स्टूडेंट और रिलेशन एज स्टूडेंट इज 3, ठीक। और इसमें आपके क्या है आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इन द टेबल शोन इन फिगर, जो आपको यहाँ पे फिगर में टेबल शो की गई है, यानी कि रिलेशन शो किया गया, देयर आर थ्री फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, तीन फील्ड्स हैं या तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तो सो द डिग्री ऑफ टेबल इज 3। तो टेबल की डिग्री क्या हो गई आपकी, 3 हो गई। इसी तरीके से कार्डिनलिटी की बात करते, कार्डिनलिटी को आपने कहा था टपल्स या रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड्स में आपको बता चुका हूँ कि रोज को कहते हैं, यानी कि आपकी रोज की संख्या, यहाँ पे रोल नंबर 12, 13, 18, यानी कि एक पर्टिकुलर रो कितनी है, यहाँ पे रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 4, देयर आर फोर रोज। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है, तो इन अ टेबल शोन इन फिगर देयर आर फोर रिकॉर्ड्स और फोर रोज, चार रिकॉर्ड हैं, चार रो हैं, सो द कार्डिनलिटी ऑफ टेबल इज 4। तो इस टेबल की कार्डिनलिटी क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। तो ये आपका डिग्री और कार्डिनलिटी का कंसेप्ट है कि रिलेशनल डेटाबेस में जो आप टेबल क्रिएट करते हैं या रिलेशन क्रिएट करते हैं, उसकी अगर आपसे कहा जाए कि उस टेबल की, उस रिलेशन की डिग्री फाइंड आउट करिए या उसकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये डिग्री और कार्डिनलिटी का कंसेप्ट भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में या वेरी शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में। आपको एक रिलेशन बना के दे दिया जाएगा, एक टेबल बना के दे दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में, और आपसे कहेगा कि इस टेबल की डिग्री निकालो और इस टेबल की कार्डिनलिटी बताइए क्या होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी कीज कितनी प्रकार की होती हैं? देयर आर वेरियस कीज इन RDBMS विच आर यूज टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस आर एज फॉलोज। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS में काफी सारी प्रकार की कीज होती हैं, जिनका प्रयोग हम डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करते समय करते हैं। उनका उन चीज का प्रयोग हम डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करते समय यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी की। प्राइमरी की इज ए की विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रो और रिकॉर्ड इन ए टेबल। जब हम डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करते हैं, तो टेबल को क्रिएट करते समय एक पर्टिकुलर रो में यानी कि हॉरिजॉन्टली रो में आपको हर एक रो को या हर एक रिकॉर्ड को कैसे अलग अलग वैल्यूज के साथ, कैसे अलग अलग रोल नंबर के साथ या कैसे अलग अलग सेपरेट यूनिक आईडी के साथ उस रो को या उस रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस आईडी वाले कॉलम में या रोल नंबर वाले कॉलम में जो हम इसके ये कंसेप्ट का यूज करते हैं, जो हम की अप्लाई करते हैं, उस की को हम कहते हैं प्राइमरी की। इट अप्लाइज टू ए फील्ड और एट्रीब्यूट।
लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि फील्ड और एट्रीब्यूट क्या किसे कहते हैं, तो अगर आपने वो क्लास मेरी नहीं देखी है तो प्लीज आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस क्लास को देख के पहले उस क्लास को समझे बाद हमारा का कंसेप्ट आप समझे। तो आपने जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल में फील्ड या एट्रीब्यूट, जिस फील्ड में या जिस एट्रीब्यूट में आप यूनिक वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपने कोई स्टूडेंट का रोल नंबर लिया है, कोई आईडी लिया है, या बैंक का अकाउंट नंबर लिया है, या आधार कार्ड नंबर लिया है, इस टाइप के जो भी वैल्यूज हैं वो आपकी यूनिक होती हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए। तो उसमें उस एट्रीब्यूट पर, उस फील्ड पर आप अगर कोई की अप्लाई करना चाहते हैं तो आप करेंगे प्राइमरी की। द फील्ड और एट्रीब्यूट ऑन विच द प्राइमरी की इज अप्लाइड have unique values corresponding to each record for that attribute in a table. एक टेबल में, डेटाबेस में जब आप जो आपने टेबल क्रिएट करी उस टेबल में एक पर्टिकुलर फील्ड या एट्रीब्यूट पर जिस पे आप प्राइमरी की आपने अप्लाई करी, उस कॉलम या उस फील्ड या उस एट्रीब्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रिकॉर्ड, जो भी रो वाइज आप एंट्री करेंगे, उसमें सभी रिकॉर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी उस कॉलम के लिए सभी यूनिक वैल्यूज आपको शो होंगी, सभी यूनिक वैल्यूज आप एंटर करेंगे। इसको एग्जांपल देते हैं इसका। मैंने एक टेबल कंसीडर करी है जिस टेबल का नाम है आपका स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। टेबल में आपके 5 फील्ड्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। आप देख सकते हैं कि ये कॉमन सेंस वाली बात भी है कि किसी भी अगर स्टूडेंट की मैं बात करूंगा तो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होगा, पर बाय मिस्टेक ये हो सकता है कि टाइपिंग करते समय मैं 2 स्टूडेंट्स को एक ही रोल नंबर असाइन कर सकता हूं, टाइप कर सकता हूं, 2 स्टूडेंट का सेम रोल नंबर मैं टाइप कर सकता हूं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए डेटाबेस में जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो रोल नंबर वाले कॉलम पर, रोल नंबर वाले फील्ड पर, या रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट पर, या कोई ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा फील्ड अपनी टेबल में जिसमें हमारी यूनिक वैल्यूज ही हो सकती हैं, सेम वैल्यू 2 कैंडिडेट के, 2 स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकती, उस वाले कॉलम में, उस वाले एट्रीब्यूट या उस वाले फील्ड में मैं एक की अप्लाई करूंगा, उस की को नाम कहते हैं प्राइमरी की। और जब मैं उस कॉलम या उस एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की अप्लाई कर दूंगा तो उसमें आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए यहाँ पे, इन द टेबल नेम्ड एज स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। देयर आर 5 एट्रीब्यूट्स, वहां पे 5 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, कि उन 5 एट्रीब्यूट्स के क्या नाम है? रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। इन रोल नंबर एट्रीब्यूट, रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट में वी अप्लाई प्राइमरी की टू असाइन यूनिक रोल नंबर टू ईच स्टूडेंट। प्रत्येक स्टूडेंट को अलग अलग रोल नंबर असाइन करने के लिए मैंने वहां पे प्राइमरी की अप्लाई करा। इट मींस दैट, इसका मींस है कि रोल नंबर एट्रीब्यूट डज नॉट टेक डुप्लीकेट वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू ईच रिकॉर्ड इन दिस टेबल ओनली। केवल और केवल इस टेबल में रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट प्रत्येक रिकॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेगा। अगर आपने किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी, यानी कि जो वैल्यू पहले एंटर हो चुका, अगर आपने उस वैल्यू को दोबारा डाल दिया, कोई रोल नंबर दोबारा एंटर कर दे, तो वो वहां पे एरर दिखा देगा और आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करने देगा, आपको एंट्री करने के लिए मना कर देगा जब तक आप उसमें यूनिक वैल्यू एंटर नहीं करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है वो ये कंसेप्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करते समय जो यूनिक वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट वैल्यू, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्राइमरी की। और मैं समझता हूँ आपको ये प्राइमरी की का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, जैसा भी आपने प्राइमरी की का कंसेप्ट समझा रिलेशनल डेटाबेस में, इसी तरीके से हम दूसरी की को कंसेप्ट को समझेंगे। अब यहाँ पे सेकंड की होती है हमारी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS में कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की आपको नाम से ही लग रहा होगा कि फर्स्ट की हमने बताई थी प्राइमरी की,
पर सेकंड वाली जो की है उसमें नाम लग गया कंपोजिट प्राइमरी की। ये कुछ हद तक प्राइमरी की तरह है, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस है प्राइमरी की के कंपैरिजन में। देखते हैं क्या डिफरेंट है इसमें प्राइमरी की कंपैरिजन में, उसको समझते हैं। कंपोजिट प्राइमरी की इज यूज्ड इन सच ए सिचुएशन व्हेन वी नीड टू अप्लाई प्राइमरी की ऑन टू फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल एट द सेम टाइम। आपको अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते समय एक ही समय पर एक ही टेबल में दो फील्ड, दो कॉलम या दो एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की अप्लाई करनी है एक ही टेबल में एक ही समय पर, दो कॉलम दो फील्ड या दो एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की अप्लाई करनी है, तो उस समय में हमारे साथ समस्या ये हो जाती है कि हम दोनों फील्ड टू फील्ड टू कॉलम से टू एट्रीब्यूट पर एक साथ प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की ये रेस्ट्रिक्शन है, ये उसकी लिमिटेशन है कि एक टेबल में केवल और केवल एक बार में एक ही एट्रीब्यूट या एक फील्ड या एक ही कॉलम पर प्राइमरी की को अप्लाई करा जा सकता है, एक से ज्यादा फील्ड एक से ज्यादा कॉलम या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पर एक टेबल में एक बार में प्राइमरी की को अप्लाई नहीं करा जा सकता। पर यहाँ पे समस्या हो गई, कुछ समस्या कुछ सिचुएशंस आपकी आ सकती हैं टेबल में। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे सिचुएशंस आ सकते हैं कि उस टेबल में आपको एक साथ एक ही समय पर दोनों को एट्रीब्यूट्स में यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो आपको उस केस में उस सिचुएशन में दोनों एट्रीब्यूट्स पर प्राइमरी की अप्लाई करनी होगी। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करा है, जो ही चीज यहाँ पे बताई गई है कि प्राइमरी की अप्लाई करनी होगी दोनों फील्ड्स पर एक ही टेबल में एक ही समय पर, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर इज रेस्ट्रिक्शन इन प्राइमरी की। वहां पे प्राइमरी की रेस्ट्रिक्शन है इज दैट है कि इट कैन बी अप्लाइड ऑन वन फील्ड और एट्रीब्यूट ओनली इन ए टेबल। वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि प्राइमरी की को एक फील्ड या एक ही एट्रीब्यूट में अप्लाई किया जा सकता है एक टेबल में, एक टेबल में केवल और केवल एक ही फील्ड या एक ही एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया जा सकता है। अब इस समस्या का समाधान तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ, जब हमारे पास ऐसी परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी का समाधान निकाला गया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की। हम उसका समाधान निकालने के लिए हम जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं उसका नाम है कंपोजिट प्राइमरी की। इन सच ए वे इस तरीके से यूज करेंगे कि दैट टू फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स टेकन टुगेदर एज ए प्राइमरी की इन ए टेबल, उन दो फील्ड्स या उन दो एट्रीब्यूट्स को एक टेबल में, जो दो फील्ड्स या दो एट्रीब्यूट या तो कॉलम्स हैं जिन पे आपको प्राइमरी की अप्लाई करने की आवश्यकता, या उन दोनों कॉलम्स में या उन दोनों एट्रीब्यूट या उन दोनों फील्ड्स में आपको यूनिक वैल्यूज को इंसर्ट करने की आवश्यकता, तो उन दोनों फील्ड्स या उन दोनों एट्रीब्यूट या उन दोनों कॉलम्स को एक साथ लेकर के, टेकन टूगेदर एक साथ लेकर के उन पर प्राइमरी की अप्लाई कर देंगे। बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एट द प्राइमरी की, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एट द कंपोजिट प्राइमरी की। तो अब उस कंसेप्ट को प्राइमरी की नहीं कहा जाएगा स्टूडेंट, उस कंसेप्ट को कंपोजिट प्राइमरी की कहा जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है आपको, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया, टेबल का नाम है स्टूडेंट, उस टेबल में 5 एट्रीब्यूट हैं, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। आप देख सकते हैं और आप सभी जानते भी हैं कि हर एक स्टूडेंट के लिए एडमिशन नंबर और रोल नंबर यूनिक होगा, कोई भी दो स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकते जिनका एडमिशन नंबर सेम हो या उनका रोल नंबर भी सेम हो। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वो क्लास कोई सी भी हो सकती है, 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, उस क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, तो उन सभी 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर भी अलग अलग होगा, रोल नंबर भी अलग अलग होगा। तो इस समस्या का समाधान क्या हो, नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें की के अनुसार, तो कंसेप्ट ये बैठता है आपका कि आप एडमिशन नंबर वाले और रोल नंबर वाले कॉलम पर, यानी कि एडमिशन नंबर और रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की लगा दें। पर समस्या यही है कि एक टेबल में
एक कॉलम या एक एट्रीब्यूट से ज्यादा हम प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने क्या कहा आपसे कि हम उन दो एट्रीब्यूट या उन दो फील्ड्स को एक साथ लेकर के प्राइमरी की लगाएंगे। मैंने क्या करा, एडमिशन नंबर और रोल नंबर, जो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको शो भी करा है ब्रैकेट से, एडमिशन नंबर और रोल नंबर दोनों एट्रीब्यूट को एक साथ लेंगे, दोनों पर सेपरेट प्राइमरी की नहीं लगाएंगे, दोनों एट्रीब्यूट को एक साथ लेकर के प्राइमरी की लगाएंगे। इन टेबल स्टूडेंट द एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर एंड रोल नंबर हैव बोथ यूनिक वैल्यूज एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दोनों एट्रीब्यूट यूनिक वैल्यू रखते हैं, तो फॉर दिस वी अप्लाई प्राइमरी की ऑन बोथ द एट्रीब्यूट सेकंड टुगेदर, दोनों एट्रीब्यूट पर एक साथ, दोनों एट्रीब्यूट को एक साथ लेकर के उन पर प्राइमरी की लगाएंगे, एंड दिस प्राइमरी की कॉन्सेप्ट की के कंसेप्ट को हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द कंपोजिट प्राइमरी की, एंड द इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंस इन प्राइमरी की एंड कंपोजिट प्राइमरी की। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, और आपको एग्जाम में इसको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जो है ये आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना, और कई बार ये बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल्स में वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम आगे चलेंगे और कुछ की कंसेप्ट अभी रह गए हैं उनको पढ़ेंगे। थर्ड की आती है आपकी कैंडिडेट की, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका, देखते हैं क्या है। कैंडिडेट की ऑल द फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स विच आर एलिजिबल फॉर प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज इन ए टेबल। आपकी डेटाबेस में जो आपने टेबल क्रिएट करी, उस टेबल में यदि जितने भी फील्ड्स या जितने भी एट्रीब्यूट्स यूनिक वैल्यूज को रखने के लिए एलिजिबल हैं, ये मीन्स दैट जितने एट्रीब्यूट्स या जितने फील्ड या जितने कॉलम उस टेबल में प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है, उन सभी एट्रीब्यूट या उन सभी फील्ड को पे जो की अप्लाई होती है उसे आरडीबीएमएस में कैंडिडेट की कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की केवल एक एट्रीब्यूट पर अप्लाई करी जा सकती है और कंपोजिट प्राइमरी की केवल एक दो एट्रीब्यूट पर अप्लाई करी जा सकती है, पर वहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है कि वो दोनों एट्रीब्यूट आपके एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एट्रीब्यूट फर्स्ट, एक कॉलम आपका स्टार्टिंग कॉलम है और एक कॉलम आपका लास्ट कॉलम है, ऐसे अगर सिचुएशन बन गया टेबल में तो वहां पे आपका कंपोजिट प्राइमरी की अप्लाई नहीं होगा। तो दीज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स कैन नाइदर बी लेफ्ट ब्लैंक। अब कैंडिडेट की उन की एट्रीब्यूट्स को या उन फील्ड्स को इसलिए कहा जाता है, उन कॉलम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन फील्ड्स को या उन एट्रीब्यूट्स की में को हम लेफ्ट भी नहीं छोड़ सकते, यानी को हमें कुछ ना कुछ वैल्यू भी इंसर्ट करनी पड़ेगी और ना ही उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, तो इसलिए उन कीज को हम कैंडिडेट कीज बोल देते हैं। एग्जांपल की समझते हैं, आपका एक टेबल लिया है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, इसमें आपके कुछ एट्रीब्यूट्स है जैसे एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड डेट ऑफ बर्थ। तो हमने क्या करा इसमें, इन द अबव टेबल द एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर एंड रोल नंबर आर एलिजिबल फॉर प्राइमरी की। एडमिशन नंबर एंड रोल नंबर दोनों एट्रीब्यूट्स आपके प्राइमरी की के लिए एलिजिबल हैं, सो दीज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड एज कैंडिडेट की। तो अगर इन दोनों एट्रीब्यूट या इन दोनों फील्ड्स पर सेपरेटली की कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं यूनिक वैल्यूज के लिए, तो ये वो की जो कंसेप्ट जो आपको कहलाता है आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो आपको कहलाता है कैंडिडेट की। ठीक है, फोर्थ की आती है आपकी अल्टरनेट की। आउट ऑफ द कैंडिडेट की वन और टू आर मेड एज प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की रिस्पेक्टिवली। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डेटाबेस में आपने जो भी टेबल्स क्रिएट करी है, जो भी टेबल आपने क्रिएट करी, एक ही टेबल में एक एट्रीब्यूट पर तो हम प्राइमरी की लगा सकते हैं और दो एट्रीब्यूट पर हम कंपोजिट प्राइमरी की लगा सकते हैं, बाकी जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड हैं जो प्राइमरी की के या यूनिक वैल्यूज को लेने के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी की पर अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, की रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि उसे हमें लेफ्ट नहीं छोड़ना है या उसमें हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करना है, और वो सभी एट्रीब्यूट्स
एक साथ भी नहीं है, ठीक है। तो उन सभी के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी जो RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो की का कंसेप्ट है, उनको उस की को हम कहते हैं अल्टरनेट की। ऑल अदर कीज, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल अदर कीज आर कॉल्ड एज अल्टरनेट की। उन सभी अदर कीज जितनी भी होती हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेट की, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारा अल्टरनेट की का कंसेप्ट था। आगे चलते हैं लास्ट कंसेप्ट ऑफ द की इन RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS में। आपका जो लास्ट की का कंसेप्ट जो आपका एग्जाम में है, फिफ्थ की आपकी, वो आती है फॉरेन की, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस की को समझने के लिए आपको डेटाबेस में सबसे पहले दो टेबल्स को क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको दो टेबल आप क्रिएट करेंगे, जब ही आप फॉरेन की अप्लाई कर पाएंगे, फॉरेन की जनरेट कर पाएंगे। इफ ए फील्ड और एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स ऑफ अनादर टेबल, इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। इसमें लैंग्वेज में, इसकी डेफिनेशन की लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसमें कहा गया है, यदि एक फील्ड और एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल, एक टेबल यानी कि फर्स्ट टेबल का कोई फील्ड या कोई एट्रीब्यूट यूज किया जाता है दूसरे टेबल के, यानी कि सेकंड टेबल के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, देन दैट पर्टिकुलर फील्ड और एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज फॉरेन की इन द फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट टेबल में जो वो फील्ड या एट्रीब्यूट का यूज किया गया था सेकंड टेबल के रिकॉर्ड को, यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो एट्रीब्यूट या वो कॉलम या वो फील्ड फर्स्ट टेबल में फॉरेन की कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या समझते हैं, मैंने दो टेबल लिया, टेबल ए, टेबल ए में आपके चार एट्रीब्यूट्स हैं, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड एड्रेस, ठीक। टेबल बी में आपके चार एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, क्लास, मोबाइल नंबर एंड एडमिशन नंबर। अब आप यहां पे देखेंगे कि रोल नंबर और एडमिशन नंबर, रोल नंबर और एडमिशन नंबर जो है आपके रोल नंबर और एडमिशन नंबर जो एट्रीब्यूट हैं आपके, वो दोनों टेबल्स में है, टेबल ए में भी है और टेबल बी में भी है। परंतु एक चीज और भी आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, टेबल ए में रोल नंबर और एडमिशन नंबर जो दोनों एट्रीब्यूट हैं वो एक साथ है, और टेबल बी में रोल नंबर और एडमिशन नंबर दोनों एट्रीब्यूट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है। तो अब इसमें फॉरेन की कैसे अप्लाई होगी, फॉरेन की कौन से एट्रीब्यूट को कहेंगे और टेबल ए में, तो इसको देखिए, और टेबल ए के किस एट्रीब्यूट का यूज करके हम टेबल बी के यूनिक रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम देखते हैं। इन टेबल ए, टेबल ए में द एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर इज प्राइमरी की। तो स्टूडेंट इनको ध्यान से समझना है, फर्स्ट टेबल में यानी कि टेबल ए में मैंने क्या करा, आपका जो एट्रीब्यूट है एडमिशन नंबर, ये एडमिशन नंबर वाला जो एट्रीब्यूट है इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, एडमिशन नंबर वाले कॉलम को मैंने प्राइमरी की बना दिया। एंड इन टेबल बी द एट्रीब्यूट रोल नंबर इज प्राइमरी की, और सेकंड टेबल में, टेबल बी में रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट को मैंने प्राइमरी की बना दिया, ठीक। अब आप ध्यान से समझिए, फर्स्ट टेबल में रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट जो है उस पर कोई की नहीं है, यानी कि वो प्राइमरी की नहीं है, उस पर आप कैंडिडेट की बोल रहे हैं, अल्टरनेट की बोले वो आप कुछ ही बोल सकते हैं। और सेकंड टेबल में रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट पर हमने प्राइमरी की अप्लाई करा, एडमिशन नंबर वाले एट्रीब्यूट पर कोई की अप्लाई नहीं करा है, उसे आप कैंडिडेट की बोल सकते हैं, अल्टरनेट की बोल सकते हैं। टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ टेबल बी, टेबल बी के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज द एट्रीब्यूट रोल नंबर ऑफ टेबल ए Which is primary key in table B। हमने क्या करा, फर्स्ट टेबल के रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करा, क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि वो वाला एट्रीब्यूट सेकेंड टेबल में प्राइमरी की लगा हुआ है। तो आपको स्टूडेंट वो एट्रीब्यूट का यूज करना है जिस एट्रीब्यूट को फर्स्ट कम से कम एक टेबल में प्राइमरी की अप्लाई करा गया, उस एट्रीब्यूट पर कम से कम एक टेबल में प्राइमरी की अप्लाई किया गया। इस केस में
जो मैं रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा सेकंड टेबल के विद द हेल्प ऑफ द रोल नंबर एट्रीब्यूट ऑफ फ्रॉम टेबल ए, टेबल ए के रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट से कैसे करूंगा कि जो रोल टेबल ए में जो मुझे रोल नंबर दिया गया मान लीजिए 12, तो रोल नंबर 12 मेरा यहाँ पे भी दिया गया है तो उसका एडमिशन नंबर से हम मैच करेंगे, ठीक है। और रोल नंबर जो आपका था फर्स्ट टेबल ए में दिया गया 13, पर रोल नंबर जो 13 है वो सेकंड टेबल में नहीं है और उसका एडमिशन नंबर 1847, तो यहाँ पे 1847 एडमिशन नंबर भी नहीं है सेकंड टेबल में। तो इस तरीके से मैं यूनिक रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। इन दिस केस, इस केस में द एट्रीब्यूट रोल नंबर इज कॉल्ड एज फॉरन की इन टेबल ए, टेबल ए में जो आपका रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है वो क्या कहलाएगा, वो फॉरन की कहलाएगा। यानी कि रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट जो है टेबल ए का, जो रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है आपका, उस पे हमने क्या लगा दिया, उस पे हमने अब फॉरन की जनरेट करी। रोल नंबर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल ए इज कॉल्ड एज फॉरन की, ठीक। नाउ इन टेबल ए, अब जब हमने फॉरन की जनरेट कर दी तो अब क्या कर सिचुएशन बन गई आपकी, अब ये सिचुएशन ये बन गई है आपकी। तो नाउ इन टेबल ए, टेबल ए में एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर इज प्राइमरी की, टेबल ए में एडमिशन नंबर वाला एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की है, एंड एट्रीब्यूट रोल नंबर इज फॉरन की, और जो रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है उसका फॉरन की है। बट इन टेबल बी, टेबल बी में एट्रीब्यूट रोल नंबर इज प्राइमरी की एंड एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर इज कैंडिडेट की। रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की, जैसे आपने पहले यहाँ पे पढ़ा स्टडी करी थी कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड टेबल में हमने रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट में प्राइमरी की लगाया, जिसकी हेल्प से फर्स्ट टेबल के रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट को हमने फॉरन की बना दिया, और सेकंड टेबल में आपका जो एडमिशन नंबर वाला एट्रीब्यूट है उसको हमने कैंडिडेट भी बोल, कैंडिडेट की बोल दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फॉरेन की का कंसेप्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आपको केवल 5 कीज पढ़नी होती है, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की, ठीक है स्टूडेंट। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवाइज करें और इनको लर्न करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स